हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। एपी गर्ल पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा, स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफर नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, दिल्ली कटरा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे अब बहादुरगढ़ बाईपास से जुड़ेगा। प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। परियोजना के पहले फेज में नई दिल्ली से जालंधर तक का काम चल रहा है, जिसके इसी साल पूरे होने की उम्मीद है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे और KMP का भी आपस में रहेगा लिंक। दरअसल झज्जर जिला के जसोरखेड़ी गांव से यह एक्सप्रेसवे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है। जसोरखेड़ी के पास से ही कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे निकलता है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे और KMP का भी आपस में लिंक रहेगा, ताकि वाहन चालकों को किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। जसोरखेड़ी गांव से नई दिल्ली तक जाने के लिए पहले से मौजूद सड़क का ही इस्तेमाल किया जाएगा। अमृतसर तक 4 तो कटरा 6 घंटों में पहुंचा जा सकेगा। प्रदेश सरकार ने जसोरखेड़ी से आगे इस सड़क को बहादुरगढ़ बाईपास तक मिलाने का सुझाव केंद्रीय मंत्रालय को भेजा था। बहादुरगढ़ बाईपास से कनेक्ट होने के बाद दिल्ली जाना और आसान हो जाएगा। एक्सप्रेसवे बनने के बाद नई दिल्ली से अमृतसर तक लगभग 4 और कटरा तक 6 घंटों में पहुंचा जा सकेगा। हरियाणा के इन 6 जिलों को मिलेगा लाभ। दिल्ली से कटरा सड़क मार्ग से 727 किलोमीटर दूर है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हो जाने के बाद यह दूरी 58 किलोमीटर तक घट जाएगी। एक्सप्रेसवे हरियाणा में 137 किलोमीटर, पंजाब में 399 किलोमीटर और जम्मू कश्मीर में 135 किलोमीटर लंबा होगा। हरियाणा में यह झज्जर, रोहतक, सोनीपत, जींद, करनाल और कैथल से होकर निकलेगा। 152D भी होगा कनेक्ट। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस एक्सप्रेसवे की ड्राइंग इस हिसाब से तैयार की है कि इसके बीच में आने वाले कई एक्सप्रेसवे इसके साथ कनेक्ट हो सकेंगे। 152D ग्रीन कॉरिडोर को भी इसके साथ कनेक्ट किया जाएगा। दिल्ली से कटरा तक एक्सप्रेसवे हरियाणा में जहां 152D को क्रॉस करेगा, वहां जंक्शन बनाया जाएगा। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।